पहली बात तो यह है कि हमारा मन यदि शांत है तो एवरेस्ट में भी हम आनंद की अनुभूति करते हैं। ये तो बाबा केदार केवल 11,500 फीट पर ही है। साधक का मन एकाग्र है, वो भगवान के प्रति श्रद्धा से समर्पित होते हुए आ रहा है, हर किसी दोष को न देखते हुए केवल गुणों को ही देखे और अपने एकाग्र चित्त से भगवान का स्मरण करते हुए बाबा केदार के धाम में आने वाली हर प्रतिकूल परिस्थिति को सहृदय स्वीकार कर ले। और फिर व्यावहारिकताओं का भी ध्यान रखना जरूरी है, जो भी नियम बनाए गए उनका पालन करें, जो सामाजिक व्यवस्था बनी ही रहे, और ये हम सभी का कर्तव्य है। यदि हम कुछ अंश में शिक्षित हैं तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि समय की मर्यादा के अनुसार जो भी नियम बनाए गए उनका पालन करें, और यदि हमारे भीतर श्रद्धा होगी तो सहन करने की शक्ति भी भगवान हमको दे देंगे। केदारनाथ धाम में कपाट खुलने से पहले बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं, हर साल होती हैं। कुछ काम यहां पर स्थायी हो चुके हैं और कुछ काम जो हैं वो अस्थायी होते हैं, तो उनको किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसमें है मेडिकल फैसिलिटी। मेरे पीछे यहां पर एक हॉस्पिटल है जिसमें सरकारी डॉक्टर भी बैठते हैं और एक NGO के जो टीम है, स्टाफ है, वो भी बैठते हैं। तो जब आप लोग यहां पहुंचेंगे तो मंदिर से ठीक पहले जो बड़ा चबूतरा है उसी के ठीक सामने डॉक्टरों की टीम रहती है। इसके नीचे भी जो जितने भी हैं, चाहे गौरीकुंड है, भीमबली है, या फिर जो लिंचौली है, वहाँ पर भी मेडिकल स्टाफ रहता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, दवाइयाँ होती हैं। लेकिन यहाँ आने की जो मुख्य दिक्कतें आती हैं, एक तो हाइपोथर्मिया हो जाता है, यानी जब आप आ रहे हैं तो बारिश में आप कितना भी अपने आप को ढकें, कहीं ना कहीं से आप भीग जाते हैं, चाहे आप बरसाती पहने, मॉइस्चर आ जाता है तो वो शरीर में कपकपी आती है। जब आप सोने जाते हैं तब भी वो पूरा शरीर आपका कपकपी करता रहता है, कुछ समय बाद वो ठीक होता है, तो वो हाइपोथर्मिया की एक शिकायत होती है। कुछ लोगों को तेज़ सर दर्द होता है और पेट दर्द भी होता है, क्योंकि वो जो गर्मी के इलाकों से आते हैं, घाटियों से होते हैं, और एकदम से फिर वो ऊपर पहुँचते हैं। अब पिछले कई सालों से आपदा के बाद, यानी 2013 के बाद, हर साल यहाँ पर यात्रा चल रही है। हॉस्पिटल अभी बना नहीं है। अगर यहाँ पर 2-4 मरीज आते हैं तो स्टाफ जो है वो झेल लेता है उनको ट्रीटमेंट देना या फिर उनको ऑक्सीजन देना, लेकिन अगर एक साथ 100-150 महिलाएं, पुरुष बुजुर्ग एक साथ यहाँ पर आते हैं तो दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो प्रशासन से अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि वैकल्पिक व्यवस्था पूरी रखें, एक लंबा हॉल रखें। अगर एक साथ काफ़ी लोग आ गए तो फिर उनके लिए दिक्कतें नहीं आएंगी, और जो मेडिकल टीम है उनको ट्रीटमेंट देने में भी आसानी होगी। क्योंकि मैंने पिछली बार भी देखा था कि कई बार यहाँ भीड़ हो जाती है बहुत, कुछ लोग दवाइयाँ लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग ऑक्सीजन की दिक्कत आ जाती है, तो जब आपके पास स्पेस नहीं है तब आपके सामने दिक्कतें खड़ी होती हैं। आस्था अपने आप में खुद एक व्यवस्था को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु किसी भी धाम में पहुंचते हैं, किसी भी देवालय में पहुंचते हैं, तो व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। इसके लिए प्रशासन, स्थानीय जो प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। इस साल केदारनाथ धाम के सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। ओपनिंग के समय ही बहुत भीड़ होगी, ओपनिंग के समय ज़्यादा भीड़ होगी। जो समस्याएँ हैं वो हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं, तैयारियाँ भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगभग 8,000 से 10,000 लोगों की रहने की व्यवस्था है, जो जिसमें GMBN के कॉटेज हैं, जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं उनके हैं, आसपास और भी जो व्यवस्थाएं हैं, अगर टेंट भी लगाए जाते हैं तो आराम से 8,000 से 10,000 लोग जो
बेस कैंप से लेके केदारनाथ धाम के आसपास रह सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा भीड़ बढ़ी तो प्रशासन के पास क्या विकल्प हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। क्या यात्रा को रोका जाएगा, क्या एक लिमिट बांधी जाएगी कि 10,000 से ऊपर यात्री केदारनाथ धाम में नहीं जाएंगे। और दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर आती है, जो मुख्य चबूतरा है जहाँ से केदारनाथ धाम के संपूर्ण दर्शन होते हैं मंदिर के, वहाँ से केदारनाथ धाम के करीब 150 मीटर की दूरी है और लाइन यहीं लगती है यहाँ प्रांगण से लेके और नीचे तक पूरी। इस बीच हेलीपैड से लेके पूरे मंदिर परिसर तक कहीं भी सरकार की तरफ से शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है, जो एक बड़ी समस्या है। क्योंकि जब भीड़ में श्रद्धालु खड़े होते हैं अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं, उस दौरान अगर उनको टॉयलेट जाना होगा तो आसपास उनके सामने कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार को फौरन इस दिशा में ज़रूरी कदम उठाने चाहिए ताकि जब भीड़ बढ़े तो आराम से उनको दर्शन करने के लिए जो खड़े रहते हैं श्रद्धालु, उनको कोई तकलीफ ना हो। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को 6:15 पर पूरे विधि विधान के साथ खुलेंगे। डोली जो है वो ओमकारेश्वर मंदिर यानी उखी मठ से रवाना होती है, तो वो 2 मई को डोली बाहर आती है, पूजा अर्चना होती है। 2 मई को जब वो चलेगी तो वो पहुंचेगी सबसे पहले गुप्तकाशी। इस बार गुप्तकाशी में विश्राम रखा गया है रात्रि, पहले गुप्तकाशी नहीं हुआ करता था, डोली सीधे फाटा पहुँचती थी। तो 2 तारीख को गुप्तकाशी में विश्राम होगा, 3 तारीख को फाटा में, 4 तारीख को गौरी माई मंदिर यानी गौरीकुंड में, और 5 तारीख की शाम को डोली यहाँ पहुँच जाएगी, और अगले दिन यानी 6 तारीख को 6 मई को 6:15 पर चार धाम यात्रा के कपाट खुल जाएंगे देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए। और 6 महीने बाबा पूरी समाधि में रहते हैं बर्फ़ में, तो देवताओं के लिए ऋषि मुनियों के लिए ये स्थान रहता है पूजा अर्चना के लिए, और 6 महीने जो देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए। यूं तो केदारनाथ धाम में हर साल कुछ न कुछ नया श्रद्धालुओं को देखने को मिलता है, और इस बार जो श्रद्धालु के लिए सबसे आकर्षण का विषय होगा या जो देखने वाली दर्शनीय स्थल है वो है आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति, जो मंदिर प्रांगण से ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर एक गोलाकार आकृति बनाई गई है, उसके नीचे वो मूर्ति है। और वो बेंगलोर कर्नाटक से मंगाई गई थी, काफ़ी समय लगा उसको बनाने में, इंजीनियरों ने जो यहाँ पर थे कई बार सोचा कि कहाँ पर बनाया जाए, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और अंततः पिछले साल जब कपाट बंद हो रहे थे तो एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति थी उसका अनावरण किया था, उसका उद्घाटन किया था। तो इस बार जब आप मंदिर के दर्शन करेंगे तो मंदिर से ठीक पीछे आपको जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति है वो दिखाई देगी। इसे GSW ग्रुप ने बनाया है और ये काम जो है वो CSR फंड के तहत यहाँ पर किया गया है। दर्शनीय स्थल है केदारनाथ धाम, और वैसे भी आदि गुरु शंकराचार्य ने यहीं पर समाधि ली थी जब उन्होंने उत्तर भारत में बद्रीनाथ केदारनाथ और बहुत सारे जो मंदिर हैं उनकी पुनर्स्थापना की थी। तो मंदिर के साथ साथ आप आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन जरूर करिएगा।
केदारनाथ में कब मौसम बदल जाए, कब बारिश हो जाए, कब बर्फ बारी हो जाए और कब धूप हो जाए, इसका अंदाजा आपको यहीं आकर लगता है। यानी ये जो अनुभूति है इस केदारपुरी में, इस दिव्य भूमि में, इस धरा में, वो यहीं पर आकर होती है। सुबह मौसम साफ था, उसके बाद फिर बादल आए, फिर थोड़ी बारिश और थोड़े से जो छोटे कण हिम के वो पड़ने शुरू हो गए, और अब जो रुएं की तरह बर्फ जिसको हम कहते हैं वो पड़ने लग गई, ये है। लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे ही बर्फ़ पड़ रही है, अभी तो बर्फ़ पड़ रही है, और अगर एक दो घंटे और पड़ी तो पूरी केदारपुरी सफ़ेद चादर में ढक जाएगी। लेकिन फिर जैसे ही कल सुबह धूप खिलेगी, फिर से उसके टेम्परेचर के कारण जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी। बल्कि अभी भी अगर मैं हाथ में उसको इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा तो ये हाथ में इकट्ठा नहीं हो रही है, गल जा रही है हाथ में। यानी बॉडी का टेम्परेचर मेरा जो है, या हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है। अभी मंदिर परिसर की तरफ भी बर्फ़बारी हो रही है, सामने का जो इलाका है, जो मुख्य केदारपुरी है उस तरफ, वहाँ भी बर्फ बहुत ज़्यादा आपको दिख रही होगी कि चारों तरफ जो है वो बर्फ़बारी में ढक गई है। कई साल ऐसा हुआ है कि मार्च और फरवरी में भी यहाँ पर बर्फ़ नहीं दिखाई दी थी इस पूरी केदारपुरी में, और कभी कभी ऐसा होता है कि अप्रैल महीने में भी ये पूरी केदारपुरी बर्फ़ से ढकी रहती है। 2015 में ऐसा ही था, पूरी केदारपुरी अप्रैल महीने में भी बर्फ़ से ढकी हुई थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। तो ये किस्मत है आपकी, जब आप यहाँ आएँ तो उस समय कैसा मौसम है, स्वागत आपका कैसा हो रहा है, और ज़्यादा देर भी अगर आप बर्फ़ में रहें तब भी आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। यानी हम लोग केवल 10 मिनट के लिए बाहर आए हैं, और जैसे ही ये 10 मिनट हुए हैं हाथ ठंडे हो गए हैं, बर्फ़ से पूरा जो टोपी है जैकेट की ये सब भी भीग गया है। ये गैजेट भी मेरा जो हिमाचल में जब मैं बर्फ़बारी में ऐसे ही शूट कर रहा था तो ये ख़राब हो गया था, तो हम जल्दी अंदर जा रहे हैं ताकि कोई और दिक्कत ना हो, और ये बर्फ़बारी का आनंद आप लेते रहिए। कुछ शॉट्स आपके लिए और बना देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की मौसम की, कैसे बदलता रहता है। एक बात आप ध्यान से ये गांठ बांध लीजिए कि जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा में आते हैं तो चारों धामों में सबसे मुश्किल यात्रा केदारनाथ धाम की मानी जाती है। हालांकि गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में भी मौसम बदलता है, लेकिन यहाँ पर मौसम बदलने की वजह सबसे बड़ी दिक्कतें हैं कि यात्री पैदल आता है, जब सुबह वो चलता है तो मौसम साफ रहता है, खुला रहता है, लेकिन आसपास बहुत ग्लेशियर हैं इसके पीछे, चारों तरफ जब गर्मी, क्योंकि गर्मी का समय है, हीट होती है, तो लोकल क्लाउड डेवलप होते हैं। और 11 बजे के बाद देखिए, सुबह मौसम साफ था, 11 बजे के आसपास यहाँ पर बादल आने शुरू हो गए, और उसके बाद यहाँ पे 2 बजे के बाद हर दिन लगभग यही मौसम है। कुछ दिन हो सकता है कि बारिश ना हो, लेकिन हर दिन बारिश होती है। तो आप अपनी तैयारियों के लिए आपको रेनकोट, अच्छा रेनकोट अपने साथ लाना ज़रूरी है रास्ते में, क्योंकि रास्ते में जो पॉलीथीन के वो बिकते हैं रेनकोट, वो फट जाते हैं और आपके काम नहीं आते। तो आप अपने साथ, चाहे दिल्ली से आ रहे हों, देहरादून से या फिर अन्य राज्यों से, एक मजबूत जो रेन कवर है, पंचू कहते हैं जिसे, क्योंकि आपके पास एक छोटा बैग भी होता है तो वो भी कवर हो जाता है, तो आपके कपड़े नहीं भीगते जब तक, और आपको रात भी हो जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो सुबह 6-7 बजे भी गौरीकुंड से चलेंगे, लेकिन फिर भी उनको 7-8 भी बज सकते हैं, क्योंकि चढ़ाई भी है, आराम आराम से आना होता है। तो ये इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, करीब 1 घंटे तक बर्फ़बारी होती रही, और बर्फ़बारी होने के बाद अब मौसम खुल गया है, यानी बादल तो उड़ गए हैं। थोड़े बहुत केदारनाथ पीक और केदार की जो अन्य पर्वत चोटियां हैं वहां पर अभी बादल हैं, थोड़ी देर में वहां से भी उड़ जाएंगे, और इसके बाद जैसे ही बादल उड़ते हैं तो हवा चलनी शुरू हो जाती है, और ये सबसे ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करती हैं सभी के लिए, चाहे वो लोग यहां पे काम कर रहे हैं, वर्कर, मज़दूर, या फिर श्रद्धालु, या फिर स्थानीय लोग। आसान नहीं है यहां पे जो रहना, श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं और अगले दिन चले जाते हैं, लेकिन यहाँ जो व्यवस्थाएं बना रहे हैं लोग, वो इस मौसम में ही रहते हैं। हालांकि कुछ समय बाद आदि हो जाते हैं, जैसे आप अगर 2-3 दिन यहाँ रुकें तो इस मौसम के अनुकूल हो जाएं, जैसे एक्मटलाइट बोलते हैं मौसम विज्ञान की भाषा में, कि आपकी जो बॉडी है वो यहाँ के टेम्परेचर के अनुकूल हो जाती है।
2013 में जब आपदा आई थी उसके बाद यहाँ पर जितना भी एकोमोडेशन था और फूड, ये दोनों की जिम्मेदारी सरकार ने गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिसे हम शॉर्ट में GMVN कहते हैं, और जो आज भी यहाँ सबसे बड़ी जो एकोमोडेशन की एजेंसी है वो यही है। कॉटेज हैं, सिंगल बेड हैं, टेंट लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही जो हेलीपैड के बगल में GMVN का एक कॉटेज है, यहाँ पर कुछ कॉटेज हैं और पूरा उनका यहाँ पर रेस्टोरेंट है। पिछले साल के जो रेट थी 100 रुपये का नाश्ता था, 200 रुपये और का लंच और डिनर था। इस बार अभी रेट नहीं आए, लेकिन लगता है कि यही रेट जो है वो यहाँ लंच में रहेंगे जो फूड का। इसके अलावा GMVN के पास नीचे भी बेस कैंप में भी एकोमोडेशन की व्यवस्था है, लिंचोली में है, भीमबली में है। अभी भी सबसे बड़ी जो एजेंसी है यहाँ केदारनाथ में वो GMVN है। उनकी सारी बुकिंग ऑनलाइन जो है वो जब तक उन्होंने खोली है, शायद 25 मई तक की खोली है, वो सारी बुक हो चुकी है। केदारनाथ में ट्रॉली का भी सर्वे का काम शुरू हो गया है, तो ये अलग अलग पत्थर जो हैं उनके सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं। जब आप GMVN में आएंगे तो जो बेस कैंप है वहाँ पर GMVN के कर्मचारियों ने एक ब्रह्म वाटिका लगाई है, जिसमें ब्रह्म कमल के पौधे लगाए गए हैं। जुलाई में ये फूल खिल जाते हैं, यानी ब्रह्म कमल केदारनाथ में ही, केदारपुरी में ही आपको दिख जाएगा। ये है रुद्रा बेस कैंप, जो केदारनाथ धाम से लगभग 1 किलोमीटर पहले है मंदिर प्रांगण से। तो यहाँ पर सबसे बड़े एकोमोडेशन है, कॉटेज भी हैं और टेंट भी लगाए जा रहे हैं। उम्मीद इस बार तो काफ़ी लगा रखी है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो कोविड के चलते यहाँ पे उस हिसाब से हुआ नहीं है कुछ, तो इस बार सभी जो यहाँ पे काम करने वाले हैं उनकी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि इस बार काफ़ी कुछ होगा, क्योंकि अभी सुनाई दे रहा है कि इस बार यात्रा अच्छी चलने वाली है। तो बस यही है कि भगवान केदार बाबा से यही कामना करते हैं, यही आशीर्वाद चाहते हैं कि इस बार यात्रा सही चले और सबकी रोजी रोटी सही चले। चेहरे पे हंसी बता रही है कि यात्रा ठीक चलेगी आपकी। जी चल रही जी। अच्छा, खाने में आप लोग क्या क्या करते हैं? गौरीकुंड से जब चलते हैं तो खाना पीना क्या क्या रहता है? नहीं, गौरीकुंड से केदारनाथ तक वही है, सबसे ज़्यादा पराठे हो गया और मैगी, दाल चावल और वेजिटेबल सब्जी जो होता है वही चलता है। रेट क्या रहते हैं? रेट वही नॉर्मल ही है, जो उस हिसाब से है, मतलब जो लगता है, अगर नीचे थोड़ा कम होता है, यहाँ जो किराया भाड़ा लगता है घोड़े खच्चरों का, उस हिसाब से थोड़ा सा 10-20 रुपये ऊपर हो जाता है, यही जे। आप लोग कितने लोग हैं साथ? यहाँ हमारा स्टाफ अभी 5-6 जनों का स्टाफ है। शर्मा और मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से आया हूँ यूपी, और ये मेरा पहला टूर है केदारनाथ के लिए। हाँ, कितने लोग हैं आप? हम लोग 4 जने हैं कुल मिला के। और अभी तो कपाट खुले नहीं हैं, आप लोगों को मालूम था कि कपाट खुले नहीं खुले? हाँ, हमको मालूम था कि कपाट खुले नहीं है, पर बस एकदम से ही मन में इच्छा हुई कि हाँ जाओ, जाके दर्शन करो चाहे जैसे भी हो, तो बस आ गए। इसलिए बस धाम में आना है। यहाँ की जो अनुभूति, कैसी अनुभूति रही अब तक?
एक अलग ही वाइब्स है, मतलब अच्छा है, थोड़ा स्पिरिचुअल सा हो जाता है। आप बैठ के यहाँ ध्यान व्यान लगा सकते हो अगर आप स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हो तो। केदारनाथ धाम की जो यात्रा की तैयारियां हैं वो चल रही हैं, युद्ध स्तर पर इस बार काम हो रहा है। प्रशासन को भी उम्मीद है कि इस बार जो यात्रा में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं, 5 मई से पहले बहुत धरातल पर सारे काम पूरे करने का जो वादा है वो प्रशासन और राज्य सरकार कर रही है। फिर भी आपको लगता है कि जो पुरानी तरीके से पैदल रास्ते से होकर चट्टियों से होते हुए गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की यात्रा आप करना चाहते हैं, सुरक्षित और आनंदमय इन झरनों का, नदियों का, इस पूरी इकोसिस्टम जैव विविधता का आनंद लेते, तो आप उत्तराखंड सिंपली हेवन को संपर्क कर सकते हैं। ये पहाड़ के युवाओं का एक ग्रुप है जो पहाड़ में यात्रियों को केदारनाथ यात्रा करा रहा है। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए, सफ़र जारी रहेगा और यात्राएं जारी रहेंगी। जय नंदा, जय हिमालय।